अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह में बन रही है बहुत ही मज़ेदार झटपट बनने वाली चटपटी सी मैक्रोनीज। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक देश्के में हम डाल लेंगे 2 लीटर पानी और इसको बॉयल के लिए छोड़ देंगे। बॉयल आने पर हम एक पैकेट डाल रहे हैं इसमें मैक्रोनीज का, और इसको हम चला के थोड़ा सा चम्मच से ढक देंगे जब तक कि इसमें बॉयल आ जाए और जब तक ये अच्छी तरह से इसमें उबल के बन जाए, गल जाए। तो उसके बाद हम इसमें शामिल कर रहे हैं नमक, और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा चला के 2 से 3 मिनट के बाद हम यहाँ पे स्टेनर में इसे स्टेन कर लिया है, और 1 टेबलस्पून हमने डाल दिया है इसमें ऑयल। यहाँ पे हमने काट ली है वेजिटेबल, जिसमें बंद गोभी है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, क्यूब में कटी हुई चिकन है, क्यूब में ही काट लिया हमने शिमला मिर्च को, साथ में ले ली है प्याज का, हरे प्याज का हरा हिस्सा, और साथ में एक प्याज हमने काट ली है, गाजर हमने ले ली है, साथ में 3 अदर टमाटोस हमने काट लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने शामिल कर दी है ऑयल के अंदर चिकन के क्यूब्स, और इनको हम फ्राई कर लेंगे और फ्राई करके निकाल लेंगे। इसके बाद हमने एक आलू ले लिया है, इसके भी क्यूब हमने काटे हुए हैं, इसको भी फ्राई कर लेंगे, गाजर भी डाल के फ्राई कर लेंगे, एक के बाद एक तमाम वेजिटेबल हम यहाँ पे फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम एक तेज़ के अंदर डाल रहे हैं तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल, और उसमें प्याज को हम सौते कर लेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के भी उसको भी हम जो है इसके साथ ही फ्राई कर लेंगे, और इसमें डाल रहे हैं टोमेटो जो हमने काट लिए थे 3 अदद, और इनको हम अच्छे तरीके से फ्राई करते हुए इसका एक पेस्ट बना लेंगे। और अब इसके अंदर हम मसाले डालेंगे, जो जिसमें हम डाल रहे हैं 1 बड़ा स्पून लेके काली मिर्च का, और इसके अंदर हम जो है वो शामिल कर रहे हैं चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून, और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इसको हम मिक्स करने के बाद इसमें हम अजवाइन भी डाल रहे हैं तकरीबन 1/2 टीस्पून, सुखी मिर्च डालेंगे 1 टेबल स्पून, आप कुटी मिर्च भी डाल सकते हैं और पीसी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, जो जिस तरह पसंद करें। नमक इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून, काफ़ी होगा इसके लिए इस क्वांटिटी में। तो अब हमने शामिल की है इसमें चिकन, चिकन हमने जो है वो ले ली है 1 चिकन की ब्रेस्ट, और उसको हमने क्यूब्स में काट दिया था। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं शिमला मिर्च और इसके साथ गाजर, और इसको हमने जस्ट मिक्स करना है क्योंकि ऑलरेडी हम फ्राई कर चुके हैं। एक आलू भी हमने क्यूब में काट कर फ्राई कर लिया था, तो वो भी हम शामिल कर देंगे। साथ में हम बंद गोभी डाल रहे हैं और इसको हम कर रहे हैं फ्राई, और खड़ा खड़ा इसे रखना है, ज़्यादा हमने इसे फ्राई नहीं करना। और यहाँ पे हम आखिर में डाल रहे हैं ग्रीन जो प्याज है उसका ग्रीन हिस्सा ले रहे हैं हम, और इसको डालने के बाद हम इसमें डाल रहे हैं सोया सॉस तकरीबन 3 टेबल स्पून, और इसको मिक्स करने लेने के बाद हम डाल देंगे मैक्रोनीज, और मैक्रोनीज को हम मिक्स कर लेंगे, और ये हमारी जो चटपटी सी मैक्रोनीज हैं वो तैयार हैं। और आप ज़रूर इसको बनाएं और इसी तरीके से बनाएं और हमें ज़रूर फीडबैक दें। तो हम डिश आउट कर लिया है, और आप देखें कि किस कदर ये चटपटी सी लग रही हैं। अगर आप इसमें नमक मिर्च ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसे ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको कम मिर्च चाहिए तो आप उस हिसाब से डालेंगे जिस तरह से आप पसंद करते हैं। हमें फीडबैक ज़रूर दें और वीडियो को पूरा देखा करें, और अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें।